शनिवार को मैनपुरी के तहसील भोगांव में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हुआ। उसमें आबकारी विभाग के कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री के चहेते अरुण कुमार का तहसील भोगांव में तहसीलदार कमल कुमार ने नामांकन ले लिया। इसके बाद तत्काल तहसील परिसर से गायब हो गए, जो समय रहते 4 बजे तक नहीं पहुंचे। नामांकन कराने पहुंचे सपा नेता और पूर्व पैक्सफेड चेयरमैन तोताराम यादव से उनका नामांकन पत्र नहीं लिया गया। भोगांव तहसील में मीडिया के पहुंचने पर तोताराम यादव मीडिया के सामने आत्महत्या करने की धमकी दे डाली और धरने पर बैठ गए। इससे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, जिससे तहसीलदार के अधीनस्थ कर्मचारी हड़बड़ी में 500 की रसीद काट कर प्रपत्र दे दिया, लेकिन समय रहते तहसीलदार मौजूद नहीं रहे तो उनका नामांकन जमा नहीं किया गया। हारकर जब 4:30 पर लगभग तहसीलदार तहसील परिसर पहुंचे तो उन्होंने उनके कार्यालय में अपना नामांकन पत्र कार्यालय में छोड़कर चले आए। मतलब मुझे प्रपत्र का ही नहीं दिया गया जो हम पर्चा डाल पाए। क्या टाइमिंग है इसकी? इसकी 10 बजे से 4 बजे तक। कितना टाइम हो गया अभी तक? अभी तक 2:30 बज गए। 1:30 बज गए? हाँ, 1:15 बजे। तो अभी तक नहीं आए ना। अगर आपका नामांकन नहीं होता है तो आप किसे दोषी माने? इसके लिए तहसीलदार और मैनेजर भूमि विकास बैंक, ये दोनों को मिलकर, ये दोनों ही दोषी।